राजा गिड, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज डेगाना। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी के जो थर्ड पेपर है परिवर्धन जेवी की, उसका अगला चैप्टर लेते हैं, यूजेनेसिस या अंडाणु जनन। किस प्रकार से अंडाणु का निर्माण होता है, तो ऊजेनेसिस या अंडजनन जो है, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेच्योरेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ऊजेनेसिस। अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है और उसका परिपक्व होना अंडाणुजनन कहलाता है। ओवा इज फॉर्म फ्रॉम सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम लाइनिंग द ओवरी। इनका निर्माण कहाँ होता है, जो अंडाशय है, ओवरी है, उसकी जर्मिनल एपिथेलियम से, उसकी सेल्स के द्वारा इसका निर्माण होता है, जिनको प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो है, ये आदि कोशिकाएं हैं, प्रारंभिक जर्म सेल्स हैं, जिनके द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है, उन्हें हम कहते हैं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। या प्रारंभिक जनन कोशिकाएं जो है उनके द्वारा इनका निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत एक हैप्लोइड न्यूक्लियस अगुणित केंद्र का निर्माण होगा, इसमें गुणसूत्र संख्या आदि हो जाएगी, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है, अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म है उसमें फूड रिजर्व, खाद्य पदार्थों का संग्रह भी होता है, जो आगे की प्रोसेस के लिए इसके लिए आवश्यक होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ये आप देख सकते हैं, दैट इज ये ओवरी है, ओवरी से अटैच फेलोपियन ट्यूब है, दैट इज और ये यूटेरस, एंड दिस इज सर्विक्स पार्ट ऑफ यूटेरस। तो फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवम का होगा, या ओवरी के द्वारा, ओवरी के अंतर्गत इसमें अंडाणु का निर्माण विभिन्न चरणों के अंतर्गत होता है। ये ओवरी का सेक्शन है, ये हम देख सकते हैं कई सारे स्ट्रक्चर्स अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओवरी जो है ह्यूमन में एक जोड़ी होती है, प्रत्येक जो ओवरी है अंडाशय है, एक द्विस्तरीय खोल द्वारा रेखित होता है, दो स्तर है इसमें, बाहरी पेरिटोनियम और भीतर वाली ट्यूनिका एल्बुजीना कहलाती है। इसके नीचे इसका एक स्तर होता है जिसको हम जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं, जननिक उपकला या जर्मिनल एपिथीलियम कहलाती है, और इसके अलावा अंडाशय का जो शेष भाग है वो संयोजी ऊतक का बना होता है, जो दो भागों में बंटा होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। बाहर का जो पार्ट है ये वाला, ये दैट इज कॉर्टेक्स, जिसमें अपने को ये फोलिकल्स वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, और भीतर जो है वो मेडुला कहलाता है, भीतर का जो भाग है। अंडाशय के संयोजी ऊतक में रक्त कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु और लसिका कोशिकाओं के अतिरिक्त अनेक अंडपुटिकाएं विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उपस्थित होती हैं। अंडपुटिकाएं जो होती है वो जनन उपकला की कोशिकाओं द्वारा बनती है। प्रारंभ में जो प्रत्येक अंडाणु पुटिका जो वो छोटी छोटी जर्मिनल सेल्स या उगोनिया का एक छोटा समूह होता है, जो स्ट्रोमा के भीतर दर्शी होती है, यहाँ हम देख सकते हैं प्रीमोर्डियल फोलिकल्स, जो प्रारंभिक पुटिकाएं वो यहाँ बनी होती हैं, उसके बाद में धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता है, फिर ये प्राइमरी फोलिकल्स के रूप में, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी फोलिकल्स, फोलिकल के रूप में डेवलप होती है। चारों तरफ इनकी पुटी कोशिकाएं होती है, और बीच में इसके वो साइट होते हैं जिसमें डिविजन्स के बाद में एक परिपक्व अंडाणु का निर्माण होता है। बाद में जब ये मेच्योर हो जाता है फोलिकल, जिसको हम ग्राफिन पुट्टिका कहते हैं, ग्राफिन फोलिकल कहते हैं, जो पुट्टी के कोशिकाएं हैं चारों तरफ जो उस साइट की, वो इसको
पोषण प्रदान करने का काम करती है। और इसके जो ऊ साइट है, इसमें इसके दो तरह के इसमें आवरण होते हैं। सबसे जो पहला है वो है जोना पेलुसिडा, और उसके बाद में कोरोना रेडिएटा, दो इस पर आवरण होते हैं ऊ साइट पर। और जब ये मेच्योर हो जाता है और उसके बाद में निश्चित समय पर इसका ये रप्चर होता है और ओवुलेशन की क्रिया होती है जो निषेचन के लिए आवश्यक है। ओवुलेशन होने के बाद में ये फेलोपियन ट्यूब पर पहुंचता है जहाँ पर निषेचन की क्रिया होती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बाकी के जो सेल्स हैं फोलिकल, वो कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो गर्भावस्था को बनाए रखता है। और यदि निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो ये जो फॉलिकल सेल्स हैं, पुटी कोशिकाएं हैं, ये कॉर्पस ल्यूटियम बदल जाती है, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है और हर महीने एक अंडाणु का निर्माण इसमें होता है। अब है क्या क्या स्टेप्स हैं अंडाणु जनन में, तो इसके अंडाणु जनन क्रिया को अपन तीन चरणों में बांट सकते हैं जिस प्रकार से अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था। पहली जो स्टेज होती है इसको हम गुणन प्रावस्था करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी ग्रोथ फेज, तीसरी मेच्योरेशन फेज या परिपक्व प्रावस्था। तो सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन फेज है या गुणन प्रावस्था है, जिसमें अंडाशय की जो प्रारंभिक जनन कोशिकाएं होती है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होती है, वो समसूत्री विभाजन होते हैं। उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा उगोनिया नामक कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, खूब सारे उगोनिया निर्मित होते हैं। ठीक है, माइटोटिक डिविजन्स होते हैं इनमें, प्रीमोर्डियल जर्म सेल में तो उगोनिया निर्माण होता है। और उगोनिया जो वो द्विसूत्री होते हैं और इनमें गुणसूत्र की जो संख्या है वो अन्य देही कोशिकाओं समान ही होती है। उसके बाद जो ओगोनिया है उसमें ग्रोथ फेज आती है, वृद्धि प्रावस्था आती है। ठीक है, वृद्धि प्रावस्था में इसमें कई सारे पदार्थों का संचय होता है जो आगे निषेचन के लिए आवश्यक होते हैं और आगे प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं। तो इसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ती है और इसके अलावा जो फूड है, जैसे अमीनो अम्ल, प्रोटीन, फास्फो प्रोटीन, फोस्फोलिपिड आदि जो महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उनकी मात्रा इसमें बढ़ती है। तो इसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिसको हम प्राइमरी ऊसाइट कहते हैं। उसके बाद में ये प्राइमरी जो ऊसाइट है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो पहला होगा मियोसिस फर्स्ट होगा, अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में होगा, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा तो उसमें एक सेकेंडरी उस साइट का निर्माण होगा और इसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी, अगुणित हो जाएगा, और एक साथ में बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, प्रथम ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। और दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन है वो निषेचन के समय होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है और निषेचन स्पर्म्स के प्रेरित होने से इसमें दूसरा जो है वो मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, जिससे इसमें अंडाणु निर्माण होता है और साथ में सेकंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मियोसिस फर्स्ट और सेकंड के द्वारा इसमें अंडाणु निर्माण संपन्न होता है जो मेचुरेशन फेज के अंतर्गत होता है। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं ओगोनिया है, ओगोनियम के द्वारा प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट में फिर मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी ओसाइट बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी, और उसके बाद में मियोसिस सेकेंड होगा तो ओवम का निर्माण होगा और साथ में पोलर बॉडी बनती है। ये पोलर बॉडी धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाती है और अंडाणु आगे निषेचन के प्रक्रम में भाग लेता है। तो इसमें इस पोलर बॉडी बनने का ये कि इसमें ज्यादातर जो कोशिका द्रव्य है या जो भी फूड रिजर्व है, खाद्य पदार्थ जो भी है इसमें, जो इसका
स्टोरेज फूड है वो ज्यादातर इसमें ओवम में ही रहे, अंडाणु में रहे, इसके लिए इस प्रकार का ये ऐसम प्रकार का अर्शोत्तरी उपाजन होता है। अब है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में अपन क्या डिफरेंस देखते हैं दोनों प्रक्रियाओं में, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में होता है, वृषणों में होता है, और ये ओवरीज में होता है, अंडाशय में होता है। इसमें इक्वल डिवीजन ऑफ सेल्स होता है, जो अर्शोत्तरी उपाजन होता है उसमें के द्वारा समान प्रकार के वो स्पर्मेटिड्स बनते हैं, समान प्रकार की कोशिकाएं बनती है। इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, जो ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म में वो अंडाणु को दिया जाता है, और पोलर बॉडीज में बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में चार गेमिट्स का निर्माण होता है, एक इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से चार स्पर्म्स का निर्माण होता है, लेकिन ओजेनेसिस में एक जो प्राइमरी ओसाइट है उससे एक ही अंडाणु का निर्माण होता है, बाकी पोलर बॉडीज बनती है। ये स्पर्म का साइज है बहुत छोटा होता है, लेकिन अंडाणु का साइज बड़ा होता है। ड्यूरेशन है इसका, अनइंटरप्टेड प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। इसमें अरेस्टेड स्टेज होती है, ठीक है, यानी जो अंडाणु जनन जो होता है उसमें जन्म से पूर्व ही जो प्राइमरी ओसाइट है वो सेकेंडरी ओसाइट बनने से जो मियोसिस फर्स्ट है उसकी प्रोफेज फर्स्ट स्टेज में ही अरेस्ट हो जाता है, यानी जो ओसाइट्स है मियोसिस फर्स्ट की जो प्रोफेज फर्स्ट है वो जन्म से पूर्व ही भ्रूण में कंप्लीट रहती है, यानी वो प्राइमरी सेकेंडरी ओसाइट होते हैं वो वहां पर रहते हैं। उसके बाद में जो प्यूबर्टी आती है या वयस्क अवस्था जो आती है उस समय उनका आगे का डेवलपमेंट इसमें होता है। तो इसमें अरेस्टेड स्टेज होती है, इसमें अनइंटरप्टेड प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस चलती है। ये प्यूबर्टी के समय किशोरावस्था में इसकी शुरुआत हो जाती है, ये भी इसकी शुरुआत जो वो फिटस में हो जाती है, प्रीनेटल है, जन्म से पूर्व ही इसमें ये सेकेंडरी ओसाइट है वो मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत अरेस्ट रहते हैं उसमें, और कंटिन्यूस रिलीज होता है। लेकिन इसका इसका है कि मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत इसका एक अंडाणु का ओवुलेशन इसमें होता है, निश्चित है, एक अंडाणु का निषेचन अंडाणु का इसमें ओवुलेशन होता है, अंडोसर्ग होता है, लेकिन इसके अंतर्गत मिलियंस की संख्या में ये कंटिन्यूसली रिलीज हो सकते हैं। और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो लाइफ लॉन्ग चलता है, हालांकि उम्र के साथ में इसमें कमी आती है क्वालिटी में, लेकिन जो ओजेनेसिस है वो मेनोपॉज के साथ ही इसका समापन हो जाता है। ओजेनेसिस प्रक्रिया एक निश्चित एज तक होती है महिलाओं में, और रजोनिवृत्ति के बाद में तो उनमें ये अंडाणु जनन क्रिया समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ मुख्य इसमें अंतर था स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के अंतर्गत। तो ये था हमारा चैप्टर अंडाणु जनन। तो ये गेमेटोजेनेसिस के अंतर्गत दो है इसमें, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। आगे के चैप्टर्स में अपन इनका फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया को विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू।